May I have your attention, please? Subscribe now my YouTube channel and press the bell icon. Hello and welcome back again, my friends. My name is Gaurav. You are watching now Gaurav Modification YouTube channel. In this video, I am telling about how it's work Honda Dream New gearbox transmission. So my friends, you will watch this video last end and subscribe now this YouTube channel. And the informative videos you will get, press the bell icon. So let's get start now. माय फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को बता देते हैं सबसे पहले कि गेयरबॉक्स का जो वाइसर का जो सेक्शन है उसमें हमारे को यानी कि भाई कहाँ कहाँ वाइसर्स लगाने होते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, मस्ट बी इम्पॉर्टेंट पार्ट है गेयरबॉक्स का, कि भाई सबसे पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि गेयरबॉक्स के वाइसर्स हमारे को लगाने कहाँ होते हैं. भाई काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि वाइसर्स हम कहीं और लगा देते हैं, लगाने की जगह नहीं लगाते, तो गेयरबॉक्स के अंदर जो है डिफॉल्टर हो जाता है या फिर कोई साउंड आने लग जाता है, नॉइज़ आने शुरू हो जाते हैं, या फिर इसके जो गेयर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं. वो इसी वजह से वर्क नहीं करते हैं माय फ्रेंड्स. अगर हमने इसका जो वाइसर है उसको सही जगह पर नहीं लगाया है तो वो हमारे को ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है माय फ्रेंड्स. तो इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट है ये जो लॉक आप लोग देख रहे हो, सर क्लिप के जैसा लॉक है जो गेयर्स को बाहर नहीं आने देता है. ये वाला चेंज करना होता है तो इस लॉक को हमारे को निकालना होता है. तो ये लॉक जो है इसके ऊपर हमारे को इस प्रकार से ये वाइसर लगाना होता है. ये वाइसर इसलिए होता है माय फ्रेंड्स ताकि ये लॉक का जो है लॉक के ऊपर गियर ना चले. लॉक के ऊपर अगर गियर चलेगा तो वो लॉक को ख़राब कर देगा, इसीलिए इसका जो डिस्टेंस है वो बना रहे. कॉपर का आता है ये भी, तो इसको हमारे को यहाँ लगाना होता है. इसके टीथ गिनने होते हैं, ओके. और इसको हमारे को जहाँ पर छः टीथ होते हैं वहीं पर ही हमारे को लगाना होता है माय फ्रेंड्स. इसको इस प्रकार से हमारे को लगा देना होता है, ठीक है. और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल राइट हो गया है, ठीक है. और ये बुश हमारे को लगाना होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, ये क्योंकि डिस्टेंस का काम करता है. इसकी जगह हम कोई वाइसर वगैरह नहीं लगा सकते, जो इसके अंदर आटा है वही हमारे को लगाना होता है, ठीक है. वो आप लोग देख सकते हो. और उसके बाद मस्ट बी इम्पॉर्टेंट है इसका छोटा वाला गियर जिसपे फोर टीथ होते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो. और इसके अंदर जो है चार खांचे हैं, गड्ढे अंदर, जिसके अंदर ये ऐसा जाएगा, ठीक है. और उसके बाद ये जो गियर है इसको ऐसा घुमा दिया तो वो आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से काम करता है ये. लेकिन बात आती है यहाँ पर कि गियर इसके अंदर डलते कैसे हैं. मेन बात तो ये है कि हमें ये नहीं पता होता है कि अंदर गियर डल रहा कैसे है. बाहर से हम पैडल से गियर तो डाल देते हैं लेकिन अंदर का हमें कुछ पता नहीं होता है. सो माय फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोगों को देखने पर ये सारा पता चल जाएगा कि अंदर गियर आखिर काम कैसे करते हैं और ये डलते कैसे हैं. भाई डलते कैसे ये अगर हमारे को पता रहता है तो फिर हमारे को और भी यानी गाड़ी चलाने में मज़ा आता है, क्योंकि उस मैकेनिज़म का हमारे को पता होना चाहिए जिसकी वजह से गाड़ी का गियर डलता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो गियर का शिफ्टिंग रॉड है इसको हम यहाँ से चेक करके देखते हैं कि सारे गियर इसके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इस दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि गाड़ी के गियर किस प्रकार से काम करते हैं. अब ये हमने गियर शिफ्टिंग का पैडल लगा दिया है इसको, और जब हम इसको पहला गियर डालते हैं तो ये इसके अंदर जो गियर्स है इस प्रकार से फंस जाते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो. अभी इसका पहला गियर डल चुका है क्योंकि इसके अंदर जो सिलेक्टर्स दे रखे हैं, ये यहाँ पर सिलेक्टर्स है, ये दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है. अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चौथा गियर डल चुका है और ये गियर्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं वो आप लोगों को पता चल चुका है. ये न्यूट्रल हो गई है माय फ्रेंड्स गाड़ी, ठीक है. अब आप लोग देख सकते हो
और जितनी स्पीड से हम गियर डालते हैं उतनी स्पीड से इधर उधर होता है, ये नाल इधर होता है इधर होता है, और जाके उसमें फंस जाता है वो कॉर्नर्स में, और उस कॉर्नर्स के ज़रिए हमारा जो गियर है आई होप माई फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि गियर्स किस प्रकार से काम करते हैं, और इसका लास्ट एंड फाइनल ये वाइसर जो है ये हमारे को यहाँ लगा देना होता है। ठीक है, इस वाइसर को भी हम यहाँ लगा देते हैं, और अब हम गाड़ी का इंजन फिट करते हैं।